नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का आयोजन दिनांक 12 जून 2022 को नागपुर में आयोजित किया गया है। इस बैठक में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की दिशा निश्चित की जाने वाली है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में बैंक संगठनों ने दी है। आइए देखते हैं। पत्र परिषद में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ने कहा कि बैंकों में कुछ खास यूनियन को बैंक प्रबंधन बैंक कर्मचारियों की समस्या हेतु बुलाती है। हम मांग करते हैं कि जो भी संगठन पंजीकृत है उन्हें प्रबंधन के साथ वार्ता में बुलाया जाए। बैंकों में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन में एकरूपता नहीं है। हम मांग करते हैं कि वे उन्हें पूर्ण सैनिक की भांति ORP जैसी सुविधा प्रदान की जाए। बैंकों में 10वीं 11वीं वेतन समझौते में कुछ मुद्दे भी अभी पेंडिंग है। हम मांग करते हैं कि जल्द ही इसे सुलझाने का प्रयास किया जाए। बैंकों में रिटायर्ड कर्मचारी को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है, जिसका प्रीमियम उन्हें पेंशन से भरना होता है। हम मांग करते हैं कि प्रबंधन अपने स्तर पर इसका भुगतान करे। बैंकों में गार्ड सफाई कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने की प्रक्रिया चल रही है। हम मांग करते हैं कि इन्हें कर्मचारियों की भर्ती नियमाधार पर की जाए। बैंकों में बड़ी मात्रा में पूर्व सैनिक कार्यरत है, जिनकी वेतन में एक रूपता नहीं है व अन्य कई समस्याएं भी है। हम मांग करते हैं कि इन्हें जल्द निदान की व्यवस्था की जाए। बैंकों में वर्षों से दैनिक कर्मचारी जैसे अधीनस्थ गार्ड व सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जिन्हें बहुत कम राशि दी जाती है। काम के घंटे भी तय नहीं है। हम मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। बैंकों में आजकल बड़ी मात्रा में महिलाएं काम करती है, जिन्हें ग्रामीण एवं रिमोट क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाती है। वहाँ शौचालय, छुट्टी एवं बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं होती। हम मांग करते हैं कि इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। एम्प्लॉय बिजनेस है, आप 1.5 करोड़ की बड़े एम्प्लॉय बिजनेस पर आप फिर सोचते हैं कि एम्प्लॉय कम कर देंगे, क्लर्कल कम कर देंगे, ये कहीं तो नहीं है व्यवस्था। किसी प्रोफेसर ही काम करते हैं, बहुत सारे लोगों प्रोफेसर एम्प्लॉय की तरह बिहेवियर करते हैं, ऐसा कहीं किसी के ऊपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा हूं, बट ये एक मानसिकता है। चूंकि वर्किंग एम्प्लॉय का जो वर्किंग एम्प्लॉय का जो लेबर यूनियन लेबर एक्ट के अंतर्गत जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें आपको जो जिन लोगों ने बनाया है 10 to 5 का जॉब, वो एक बना हुआ है, उसमें सारे कामों को कर देना। लेकिन आज के डेट में ऑफिसर एम्प्लॉय पर उनका 24 आवर्स का सर्विस कंडीशन लगा हुआ, इस वजह से वो उनको मनमाना बैठाते हैं। आज आप देख लीजिए किसी भी बैंक में आधी से अधिक महिला है और उनको 7 बजे तक 8 बजे तक बैठना, ये कहीं लिखा हुआ है उनको बैठाने का राइट है, लेकिन वो बैठा उसमें विरोध लिखा हुआ है। इन सभी समस्याएं हेतु चर्चा होगी। UFBU ने भी इस हेतु 27 जून 2022 को हड़ताल करने जा रही है। NOBW की तरफ से बैंक प्रबंधन एवं केंद्र सरकार को आगाह करते रहे। भारतीय मजदूर संघ ने भी इन समस्याओं को संज्ञान में लिया है और इन्हीं बातों को लेकर BMS 17 फरवरी 2022 को दिल्ली में विशाल धरना करने का निर्णय लिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।